जिला आयुर्वेदिक अस्पताल की रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वर्णी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल से संबंधित विभिन्न मुद्दों के साथ साथ वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान संभावित आय और व्यय को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल परिसर में पंचकर्मा लैब टेस्ट मेडिकल एवं फिटनेस प्रमाण पत्र स्पेशल वार्ड पार्किंग मेडिकल शॉप और कुछ अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली धनराशि को इस वर्ष रोगी कल्याण समिति के माध्यम से खर्च किया जाएगा तथा अस्पताल में विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2021 को समिति के पास कुल जमा राशि 46,65,594 रुपए थी, जबकि इस वित्त वर्ष के दौरान समिति को विभिन्न माध्यमों से लगभग 12 लाख की आय का अनुमान है। इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक अस्पताल में विभिन्न प्रबंधों पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि समिति के द्वारा जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में ओपीडी के साथ मरीजों को इंडोर में भी सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि आगामी 1 से 2 महीने के भीतर इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी तक इस सुविधा को शुरू नहीं किया गया है। वो हमारा डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है हमीरपुर में, उसकी आरकेएस की बैठक संपन्न हुई है और ये कुछ समय से आरकेएस की बैठक जो है वो नहीं करवाई गई थी कोविड और विभिन्न कारणों के लिए, इसलिए आज जो है आरकेएस की बैठक, कई रूटीन के मामले जो आरकेएस की अनुमति के लिए लंबित रहते हैं या अक्सर उसमें कोई थोड़े बहुत रिव्यू की जरूरत पड़ती है, तो उस के सारे जो मैटर्स हैं उनको आज टेकअप किया गया आरकेएस की बैठक में। और ये भी निर्देश दिए गए कि जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दी जा रही हैं उनका सुचारू रूप से जो है चलाए रखे जाए और इसी के साथ साथ जितना पॉसिबल हो मरीजों के लिए और लोगों की सुविधा के लिए जितनी व्यवस्थाएं बनी हैं उनको ठीक ढंग से जो है उनका कार्यान्वयन किया जाए। कोविड में डिस्टर्बेंस भी रही है, उसके बाद सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे पटरी पे आने लगी हैं, उनको जल्द से जल्द जो है स्ट्रीमलाइन करके लोगों की सुविधा के लिए जो है खोला जाए। देखिए आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है और शायद बहुत लोग इन चीज़ों को सोच रहे होंगे जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अक्सर आते हैं। इसमें हमें कोविड में विवश होकर जो है हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोविड हॉस्पिटल बनाना पड़ा था। हम आशा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम जो है वहाँ पे अब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के भी मरीजों की आईपीडी शुरू कर सकते हैं, एडमिशन शुरू कर सकते हैं। हमें पता है कि कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये महीना और 1-1.5 महीना बहुत क्रिटिकल है और अगर कोई ज्यादा केसेस आते हैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि इन 1-1.5 महीने में ही हमारे केसेस की बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम थोड़े दिन और इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे, केसेस के ट्रेंड के ऊपर नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही हमें लगता है कि थोड़े केसेस ओवरऑल कम की तरफ होने लगते हैं और हमारी पॉजिटिविटी में और ज्यादा गिरावट आती है और साथ साथ में हमारी वैक्सीनेशन 100% के तरफ होने लगती है तो हम जल्द से जल्द हमारी कोशिश ये रहेगी कि और ज्यादा नॉर्मलाइज कर दें और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को जो है और विस्तारित रूप से जो है प्रदान कर सकें। आपको बता दें कि कोरोना काल में जिला आयुर्वेदिक अस्पताल को जिला कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया था। वर्तमान में जिला प्रशासन ने अभी तक सेंटर को सक्रिय रखा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यदि कोरोना के मामलों में कमी नहीं आती है तो जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में इस सुविधा को शुरू नहीं किया जाएगा और अगर कमी आती है तो जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों को दाखिल कर इन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ऐसे में अब जल्द ही मरीजों को लंबे समय से पेश आ रही दिक्कतों से भी निजात मिलेगी।